हेलो माय डियर फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम ला पे चर्चा न करके लिटरेचर पे चर्चा करेंगे। और लिटरेचर पे चर्चा करने का उद्देश्य ये है कि अभी आप लोगों ने कुछ दिनों पहले नोटिफिकेशन देखा होगा कि ये जो यूपीजे का परीक्षा होगी, इसमें जो लैंग्वेज का पेपर होगा उसमें हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की डिमांड को ध्यान में रखते हुए 200 नंबर का जो पेपर अभी तक होता आया है उसमें 100 नंबर हिंदी और 100 नंबर की इंग्लिश पूछी जाएगी। अभी तक जो लैंग्वेज का पेपर होता था यूपी जुडिशरी में, उसका नाम लैंग्वेज का पेपर होता था। जब आप प्रीलिम्स का फॉर्म भरते थे तो उसमें लिखा जाता था, उसमें आपसे पूछा जाता था कि आपको देवनागरी लिपि में हिंदी लिखने, पढ़ने और बोलने का अभ्यास है, ये आप फॉर्म में भरते थे। लेकिन एग्जैक्टली होता उसमें क्या था, होता उसमें ये था कि एक ऐसे राइटिंग आती थी जो इंग्लिश में लिखना होता था, एक प्रेसी राइटिंग आती थी जो इंग्लिश में लिखना होता था, एक इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन करना होता था, एक हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करना होता था। तो ये जो 200 नंबर का पेपर था, ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को इसके लिए इसकी अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ती थी, वो बिना तैयारी के अबव 100 इसमें स्कोर करते थे। लेकिन जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स थे वो 2-4 महीने तैयारी करके भी कोई लैंग्वेज 2-4 महीने में नहीं सीखी जा सकती है, इसलिए इंग्लिश सीख नहीं पाते थे, तो वो अंडर 50 रह जाते थे। तो ये 50 मार्क्स का मार्जिन जो है वो आपको सेलेक्ट से रिजेक्ट करा सकता था, या आपको सिलेक्शन लिस्ट से बाहर कर सकता था, या 50 मार्क्स टोटल एग्जामिनेशन में आपको टॉप करा सकता था, इतना था। तो ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि उन पेपर जो है वो 100 नंबर हिंदी और 100 नंबर इंग्लिश का पूछा जाए। उसका नाम लैंग्वेज का पेपर होता था लेकिन एक तरीके से वो इंग्लिश का ही पेपर होता था, जैसे अभी मैंने स्कीम बताई है आपको। अब ये पेपर किस तरीके का आएगा इसके बारे में कुछ भी कहना जो है वो बहुत संभव नहीं, क्योंकि अभी तक कमीशन ने नहीं बताया है कि वो किस तरीके से ये सेकेंड पेपर लैंग्वेज का एग्जाम लेगी। अब हम दूसरे स्टेट्स की बात करते हैं, तो दूसरे स्टेट्स में राजस्थान जुडिशरी है, वहाँ पे 100 नंबर का पेपर आता है, 50 नंबर हिंदी 50 नंबर इंग्लिश। तो उसमें क्या करते हैं, वो ऐसे लिखवाते हैं, एक लॉन्ग ऐसे 2 शॉर्ट ऐसे। तो ये 50 नंबर हिंदी के पेपर में हो जाता है, 50 नंबर इंग्लिश के पेपर में हो जाता है। एमपी जुडिशरी जब लैंग्वेज का पेपर लेती है तो वो ट्रांसलेशन वगैरह ग्रामर वगैरह भी पूछती है। झारखंड जुडिशरी में भी लैंग्वेज का पेपर होता है, इक्वल वेटेज दिया जाता है हिंदी इंग्लिश दोनों को, वहाँ पे ट्रांसलेशन आता है, ऐसे लिखना आता है। तो अभी लिटरेचर पे बात करने का उद्देश्य ये है कि आप ला में जो लोग पढ़ते हैं वहाँ पे लोगों को मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, कंपटीटर्स के साथ एक प्रॉब्लम है कि इंग्लिश लैंग्वेज वालों को, इंग्लिश मीडियम पढ़ने वालों को उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती है जितनी अच्छी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट बोर्ड उनसे अपेक्षा करता है। हिंदी मीडियम वालों को उतनी अच्छी हिंदी भी नहीं आती है जितनी अच्छी हिंदी की अपेक्षा बोर्ड उनसे करता है। तो हिंदी मीडियम में जब पूछा जाएगा हिंदी का पेपर तो वो भी बहुत इजी नहीं होगा। अब यहाँ पे दोनों के लिए फाइट इक्वल हो गई, इंग्लिश वालों को हिंदी पढ़ना पड़ेगा और हिंदी वालों को इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। तो ग्रामर भी पूछ सकता है जैसा एमपी जुडिशरी पूछता है, तो क्लियर हो जाएंगी चीजें, तो हम ग्रामर पे भी चर्चा करेंगे। अभी मैं ऐसे के उद्देश्य से ये लेके आया हूँ। तो ऐसे में क्या होता है, जब आप हिंदी में ऐसे लिखते हैं और वहां पे आप कोई हिंदी के कोटेशन कोट कर देते हैं, या हिंदी की जननी क्या है, संस्कृत है, एंड संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। संस्कृत जो है वो सभी भारोपीय मतलब भारत और यूरोपीय भाषाओं की जननी है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। किस केस में कहा गया था ये कमेंट बॉक्स में आप मुझको बताएंगे, ओके। तो जब आप हिंदी में ऐसे राइटिंग करते होते हो या इंग्लिश में ही ऐसे राइटिंग कर रहे हो, आप संस्कृत के कोटेशन कोट कर सकते हैं, हिंदी की कोटेशन कोट कर सकते हैं, वो आपकी ऐसे की स्किल को बहुत अच्छा बनाता है। लेकिन वो जो आप कोट कर रहे हैं वो रिलीवेंट होना चाहिए। तो यहाँ जो मैं लेके आया हूँ वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, दूसरे हर व्यक्ति के जीवन के अपने अपने संघर्ष हैं, इन्हीं संघर्षों में आपकी जुडिशरी की कम्पिटेटिव लाइफ 22 साल से शुरू होकर के 35 साल तक जाती है पीजीएससी में। मतलब आप 22 3 25 10 35 13 साल का संघर्ष करने का समय आपके पास है, और 13 साल का समय एक बहुत बड़ा समय भी होता है लेकिन बहुत छोटा समय भी होता है। एक एक दो दो नंबर करते हुए ये 13 साल कैसे बीत जाते हैं पता आदमी को नहीं लगता है। तो हर व्यक्ति के अपने जीवन के संघर्ष हैं, मेरे भी हैं, आपके भी हैं, सभी के जीवन के संघर्ष हैं, सभी को संघर्षों से जूझ के उभरना है,
साथ साथ हमको अपनी लाइफ को भी बैलेंस करना है, अपने कैरियर को भी बैलेंस करना है। तो संस्कृत के साथ ये है, जस्टिस पीएन भगवती की आप मैं बात करूं अगर आपसे, तो जस्टिस पीएन भगवती की एक बुक है माई ट्रस्ट विद जस्टिस, उसमें जब आप पढ़ेंगे तो अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन की चर्चा करते हैं, तो उन्होंने बताया है कि प्राइमरी एजुकेशन के ही लेवल पे उन्होंने संस्कृत पढ़ा हुआ था और उन्होंने कहा कि एवरी इंडियन मस्ट स्टडी संस्कृत, मतलब हर भारतीय को संस्कृत पढ़ना चाहिए, बिकॉज इट मेक्स अस टू नो आवर वैल्यूज एंड कल्चर्स। संस्कृत हमको अपने मूल्यों और अपनी संस्कृति से परिचित कराती है। मैं संस्कृत की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, जो कुछ जस्टिस पी एन भगवती ने माई ट्रस्ट विद जस्टिस में लिखा हुआ है वो बता रहा हूँ, आप जाके वहां देख सकते हैं। और संस्कृत इज मदर ऑफ ऑल इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस, ये भी सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, मेरा ऑब्जर्वेशन नहीं है। किस केस में कहा गया था ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। ओके, तो हम शुरू करते हैं। तो ये जो है ये संस्कृत में एक सुभाषितान पढ़ाई जाती है, तो हिंदी लैंग्वेज की अपनी कोई, हिंदी लैंग्वेज का कोई अपना स्वतंत्र व्याकरण नहीं है, जो संस्कृत का व्याकरण है वही हिंदी का व्याकरण है। तो अगर आपको काम भर की संस्कृत आने लगेगी तो आपको बहुत अच्छी हिंदी आने लगेगी। तो हम हिंदी मीडियम पे भी हिंदी की भी क्लासेज स्टार्ट करेंगे, इंग्लिश के भी क्लासेज स्टार्ट करेंगे, बट लेट द थिंग्स बी क्लियर, इन बिटवीन मैं आपके साथ जुड़ूंगा उस सुभाषितान के माध्यम से, जो आपको अपनी लाइफ में संघर्ष करना सिखाएंगी, अपने कैरियर में, और आपको एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करेंगी। और आपको ये अगर मिल गया कोई टॉपिक और आप लिख के चले आएंगे तो मेरा दावा है कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स एसे में दिलाएगी, जबकि एसे में मार्क्स गेन करना बहुत आसान नहीं होता है। चलिए देखते हैं इसको। ये कहती है, तो सबसे पहले हमारी लाइफ में जब आप कॉलेज लाइफ में इंटर करते हैं या आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे बड़ी समस्या होती है किस टीचर से पढ़ें, कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें। तो आप ये जान लीजिए कोई भी टीचर आपसे ज़्यादा योग्य है इसीलिए वो टीच कर रहा है। ठीक, तो आप कोई भी एक टीचर पकड़ सकते हैं जिसकी बातें आपकी समझ में आती हूँ। कोई भी कोचिंग बुरी नहीं है, जिस कोचिंग की बातें आपकी समझ में आती हूँ वो अच्छी हैं। और अगर किसी कारणवश आप कोचिंग नहीं भी कर सकते हैं तो बिना कोचिंग के भी लोग सेलेक्ट होते हैं, कोचिंग करना कोई मस्ट नहीं है। बाकी यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं भी हूँ, बहुत सारे लोग हैं उससे बहुत कॉम्पिटेंट लोग हैं, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। ठीक, तो सबसे बड़ी समस्या तो ये आती है कि आप किन लोगों की कंपनी में रहेंगे, क्योंकि अगर आप अच्छे लोगों की कंपनी में रहेंगे तो अच्छे बन जाएंगे, बुरे लोगों की कंपनी में रहेंगे बुरे बन जाएंगे। ज़्यादा अच्छे समझना है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक टॉपिक ही है मित्रता पे, उसको पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कि आपकी आपकी तैयारी के समय जो आपकी मित्र मंडली होती है उसका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। तो उसी पे मैं चर्चा करूंगा इसके माध्यम से। तो ये कहता है, गुणवत् जन संसर्गात याद स्वल्पोपि गौरवम पुष्पमालानुसंगेण सूत्रम शिरस धारेते। ये बताता है कि हमारी संगत किस तरह के लोगों के साथ होनी चाहिए। तो ये कहता है कि गुणवत् जन, मतलब गुणवान जन, जो गुणी लोग हैं, संसर्गात मतलब उनके साथ में रहने से, याति मतलब प्राप्त कर लेता है, स्वल्पो धन अपि, इनके स्वल्पो बन जाता है। जब हम हिंदी ग्रामर पर डिस्कस करेंगे तो वहां संधि वगैरह डिस्कस करेंगे, देखते हैं जैसा भी सिलेबस होगा तो वहां पे डिटेल में ग्रामर डिस्कस करेंगे। याद स्वल्पोपि गौरव मतलब प्राप्त करता है, स्वल्प माने छोटा, मतलब जो न बहुत बड़ा है जो न बहुत छोटा है, स्वल्पोपि गौरव गौरव को प्राप्त करता है, मतलब गुणी लोगों के संगत में रह करके छोटा मनुष्य या छोटा व्यक्ति भी गौरव प्राप्त करता है। कैसे के यहाँ पे ये उपमा देते हैं, हिंदी और संस्कृत में उपमा कहते हैं, इंग्लिश में सिमिली कहते हैं। तो एक उपमा देते हैं यहाँ पे, जैसे हम लोग एग्जाम्पल साइट करते हैं या केसला साइट करते हैं, तो ये या इलस्ट्रेशन साइट करते हैं, तो एक इलस्ट्रेशन ये साइट करता है, पुष्पमालानुसंगेण सूत्रम, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है ग्रामेटिकल, सूत्रम शिरस धारेते मतलब पुष्पमालानुसंगेण मतलब पुष्प माला अनुसंगेण मतलब पुष्प की मालाओं के साथ रह के सूत्रम, सूत्र मतलब धारा, शिरस धारेते, शिरस मतलब सिर पर, धारेते मतलब धारण किया जाता है। तो पुष्प माला के साथ रह करके सूत्र भी मतलब धारा भी
लोगों के सिर पर सुशोभित होता है। किसी व्यक्ति के सिर पे ऐसे धागा डालेंगे तो नहीं रखवा लेगा या नहीं धागा डलवा लेगा। लेकिन जब फूल के साथ वही सूत्र जुड़ जाता है, फूल के साथ वही जब सूत्र जुड़ जाता है और एक माला का रूप रख लेता है, तो पुष्प और माला के साथ सूत्र भी, मतलब एक सामान्य सा धागा भी, वो देवता के ऊपर चढ़ता है, माननीयों के भी ऊपर चढ़ता है, और जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनको भी ऊपर चढ़ता है। ठीक। बाकी अगर और आप अच्छा और आप पढ़ना चाहते हैं तो पुष्प की अभिलाषा, एक माखनलाल चतुर्वेदी का हिंदी का कविता है, वो भी आप पढ़ सकते हैं, या कभी फुर्सत मिलेगी तो मैं वो भी आपको पढ़ा दूंगा। तो इस जो श्लोक की हमने चर्चा की, ये इतना कहता है कि हमेशा हमको गुड़ी लोगों की संगत में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुड़ी लोगों की संगत में रहने से स्वल्पोपि गौरवम्यात, मतलब जिस व्यक्ति को, छोटा सा व्यक्ति है उसको भी अच्छा स्थान मिल जाता है। मतलब अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी तैयारी वाले लोगों के साथ रहिए, आपकी तैयारी स्वतः अच्छी बन जाएगी। अगर आप उनकी अच्छाइयों को फॉलो करेंगे तब, हर व्यक्ति के अंदर अच्छाइयां बुराइयां होती हैं। जैसे माला के फूल के साथ रहने से जब माला बन जाती है सूत्र, तो वो भी लोगों के सिर पर चढ़ता है, मतलब चढ़ाया जाता है, भगवान को भी चढ़ाया जाता है, मनुष्य को भी चढ़ाया जाता है, बहुत सारे लोगों को चढ़ाया जाता है। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। लेक्चर नहीं, एक ऐसी साधारण सी बात थी, एक शुभास्थान की हमने सीरीज स्टार्ट की है। इसमें हम संस्कृत शुभास्थान बताऊंगा। उसका केवल एक उद्देश्य है कि आपको लाइफ में बेटर परफॉर्म पर करने के लिए प्रोत्साहित करेगी, साथ साथ ही आपका हिंदी और संस्कृत का ग्रामर भी तैयार करेगी। आपकी मेरी ये सीरीज आपको कैसी लगी इसको स्पेशली बताइए, क्योंकि ये ला से हटके है, और इसको कैसे बेटर बनाया जा सकता है ये भी आप कर सकते हैं। और हिंदी ग्रामर या इंग्लिश ग्रामर का कोई आपका क्वेश्चन है तो वो भी आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और एक मोटिवेशन भी मिलता है, जब ज़्यादा शेयर, ज़्यादा लाइक और ज़्यादा सब्सक्राइब होते हैं तो उससे एक इनर मोटिवेशन मिलता है बोलने वाले को। ठीक। तो मैं आपको मोटिवेट करने का काम कर रहा हूँ, आप मुझको मोटिवेट करिए। थैंक यू।